में हम इस वीडियो में देखेंगे कि सोशल वर्क क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सोशल वर्क का। तो सोशल वर्क में हमें तीन चीजें याद रखनी है। एक तो ये प्रोफेशनल वर्क है, ठीक है ना, ये ऑर्डिनरी वर्क नहीं है, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या जरूरत पड़ती है कि एक्सपर्टाइज इन ह्यूमन स्किल, ठीक है। ठीक है, और क्या करता है, तीसरा इसका एस्पेक्ट है कि ये हमारी साइको सोशल प्रॉब्लम को मॉडिफाइड करता है, ठीक है। अगर ये नहीं करता है, ठीक है, तो वो सोशल वर्क नहीं होगा। ठीक है, साइको का मतलब होता है एक तरह से मेंटल, जिसको हिंदी में मानसिक बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी मेंटल स्टेज है, ठीक है, और जो हमारी सोसाइटल प्रॉब्लम है, जो हमें सोसाइटी से मिली है, इस चीज में मॉडिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये तीन, ठीक है, कंपोनेंट है, तो वो सोशल वर्क होगा। अब क्वेश्चन वो पूछते हैं कि जैसे कि अभी मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा उन्होंने कि महात्मा गांधी सोशल वर्कर थे कि सोशल एक्टिविस्ट थे, ठीक है ना। तो बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, तो वो सोशल वर्कर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, ठीक है। एक्सपर्टाइज ह्यूमन स्किल में था, लेकिन प्रोफेशनल वे में नहीं था, ठीक है। साइको सोशल प्रॉब्लम वो भी दूर करते थे, तो एक तरीके से प्रोफेशनल, ठीक है ना, बैकग्राउंड। अब वो कहाँ से मिलता है? आप MSW करो, मास्टर इन सोशल वर्क, ठीक है, तो जाके मिलेगा आपको, तभी वो आप प्रोफेशनल और सोशल वर्कर कहलाओगे। तो गांधी जी सोशल एक्टिविटीज़ थे, सोशल ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है, लेकिन सोशल वर्कर नहीं थे। तो ये तीन कंपोनेंट जो मैंने बताया, ये आपको हर चीज़ में सर्च करना है, और आपका आंसर भी इन तीन कंपोनेंट में चलेगा, तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब क्या है सोशल वर्क क्या है, एक सिंपल सी चीज याद रखो, हेल्पिंग द हेल्पलेस टू हेल्प देमसेल्फ, ठीक है। जिसको सहायता की जरूरत है, जो असहाय है, उसकी ऐसे उसको उसको ऐसी सहायता करना कि वो अपनी खुद की सहायता करे, तो ये है मोटो सोशल वर्क का, ठीक है। मान लो ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये इस इंडिविजुअल को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो सोशल वर्कर, अब सोशल वर्क के अंदर क्या होगा, जो सोशल वर्क करता है वो सोशल वर्कर कहते हैं। सोशल वर्क क्या करेगा, इसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। वो देखेगा कि क्या इन्वायरमेंट है, ठीक है, मैं इस इन्वायरमेंट में क्या मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। अगर मैं उस इन्वायरमेंट में मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, तो क्या होगा, इस इंडिविजुअल की इफिशेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इफिशेंसी बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, ये अपनी सहायता खुद से करने लग जाएगा, मतलब वो अपने पैरों पे खुद से खड़ा होने लग जाएगा। तो यही सोशल वर्क का मेन मोटो होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है सोशल वर्क की, तो हम तीन चार साइंटिस्ट की, तीन चार सोशल वर्कर की, तीन चार फिलोसफर की यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको जो अच्छी लगे कोई दो वहाँ पे लिख देना, ठीक है। सबसे पहले हम यूज करेंगे इजी जो है, ठीक है, फ्राइड लैंडर ने क्या बोला था, फ्राइड लैंडर ने बोला था कि सोशल वर्क इज ए, ठीक है, तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, की वर्ड लिखता हूँ, बोलूंगा पूरा, ठीक है, वो आप कॉपी में नोट कर लेना, वीडियो सुनते रहो। तो उसमें इन्होंने बोला कि सोशल वर्क जो है, सोशल वर्क इज ए प्रोफेशनल सर्विस, सोशल वर्क इज ए प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल इन ह्यूमन रिलेशन विच, तो एक्सपर्टाइज इन ह्यूमन रिलेशन विच असिस्ट इंडिविजुअल अलोन और ग्रुप टू ऑब्टेन सोशल एंड
पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड इंडिपेंडेंस। तो मैं पूरे इसको दोबारा बोल देता हूँ। उन्होंने बोला था कि सोशल वर्क इज ए प्रोफेशनल सर्विस बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल इन ह्यूमन रिलेशन विच असिस्ट इंडिविजुअल अलोन और ग्रुप टू ऑब्टेन सोशल एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड इंडिपेंडेंस। तो ये फ्रेड लैंटन ने बोला था, ठीक है ना। फिर हम दूसरा याद करेंगे कि ये एक है इंडियन कॉन्फ्रेंस की सोशल वर्क पे उन्होंने डेफिनेशन दी थी, ये इंडियन कॉन्टेस्ट है, ठीक है। इन्होंने बोला था कि सोशल वर्क इज ए वॉलफेयर एक्टिविटी, सोशल वर्क इज ए वॉलफेयर एक्टिविटी बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल फॉर हेल्पिंग इंडिविजुअल ग्रुप और कम्युनिटी टू लिव ए रिच एंड फुल लाइफ, ठीक है। ये किसने बोला था? इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑन सोशल वर्क। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उन्होंने बताया सोशल वर्क इज ए वॉलफेयर एक्टिविटी बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल फॉर हेल्पिंग इंडिविजुअल और ग्रुप और कम्युनिटी, ठीक है, टू और कम्युनिटी टू लिव ए रिच एंड फुलफिल टू फुल रिच एंड टू फुल लाइफ। तो इनके मेन चीज ये है कि साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो और वो किसी इंडिविजुअल को, किसी ग्रुप को, किसी कम्युनिटी को उसको अपलिफ्टमेंट करने में, ठीक है, उनको जिंदगी पूरी अच्छी तरह जीने का जो मौका दे उसको सोशल वर्क बोलते हैं। ये हो गए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, ये लास्ट डेफिनेशन है। इन्होंने बोला था कि ए प्रोफेशन डेट प्रमोट सोशल चेंज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल टू इन्हांस वेलबींग। ये इनकी डेफिनेशन थी, मैं रिपीट कर देता हूँ, दोबारा लिख लो आप। ए प्रोफेशन डेट प्रमोट सोशल चेंज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल टू इन्हांस वेलबींग। तो ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क की डेफिनेशन थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सोशल वर्क की जरूरत क्यों हमें ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है, क्यों जरूरत पड़ रही। पहले भी तो था, लेकिन पहले क्या था, सर्विस थी, लेकिन अब हमें प्रोफेशनल वे में, साइंटिफिक वे में स्टडी क्यों करनी पड़ी। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, अनइवन डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। जब अनइवन डेवलपमेंट हुआ सोसाइटी का, तो क्या हुआ, इनइक्वालिटी पैदा हुई। जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी पैदा हुई तो उससे क्या हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हुआ, ठीक है, पुअर और पुअर हो गए, रिच और रिच हो गए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में गैप आ गया। तो गैप आया तो क्या हुआ, प्रॉब्लम आने लग गई। प्रॉब्लम कौन सी हुई, साइको सोशल प्रॉब्लम आई, ठीक है। और इन्हीं साइको सोशल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या आया, सोशल वर्क आया, पहला रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन क्या हुआ कि जब सोसाइटी एडवांस्ड होती है तो सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस पहुंचती है, ठीक है। जब अवेयरनेस पहुंचती है तो लोग क्वेश्चन करते हैं किसको, अथॉरिटी को, ठीक है।
जैसे आप अगर जा रहे हो, ठीक है, सोचो आप यहाँ से जा रहे हो मार्केट, आप रास्ते में देखते हो 3 4 बैगर, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे बैगर है, ठीक है, फिर आगे देखते हो आगे की हैंडीकैप्ड लोग हैं, ठीक है, तो आप खुद कहते हो कि यार सरकार क्या कर रही है, ठीक है, वेलफेयर एक्टिविटी क्यों नहीं कर रही है। तो ऐसे लोगों के अंदर अवेयरनेस पहुंची, ठीक है ना। अब उससे क्या हुआ, जब अवेयरनेस लोगों के अंदर पहुंची तो सोशल वर्क भी, ठीक है, उसके सामने भी एक चैलेंज क्या आया, उसके सामने ये चैलेंज आया कि मैं अब लोगों की हेल्प तो करेंगे सोशल वर्क को लेकर, लेकिन वो क्या करेंगे मोर प्रोफेशनल वे में, ठीक है, वो इसलिए करेंगे कि अब अवेयर्ड कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, अगर वो आपके पास आता है तो वो सोचता है कि आप उसकी प्रॉब्लम को दूर कर दोगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में रहेगा कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, ये प्राइम मोटिव होगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं कस्टमर डिलाइटमेंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या सोशल वर्क के लिए भी एक चैलेंज दे दिया, ठीक है, और क्या हुआ, जब तरह तरह की प्रॉब्लम आई तो सोशल वर्क का जो बेस था वो बढ़ा। बेस का मतलब क्या है, पहले सोशल वर्क जो था केवल वेलफेयर एक्टिविटी में ध्यान देता था, ठीक है, अब वो और टेक्निकल हो गई, अब लोगों क्या है मेंटल प्रॉब्लम भी है लोगों को, ठीक है ना, तो हमें ऐसा सोशल वर्कर चाहिए जो जो क्या कहते हैं मेडिकल साइंस फील्ड में काम सके कर सके, ठीक है, एड्स के लोग लोग हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हो, ठीक है, टीवी के डिसीज वाले लोग हैं वो कैसे उनका डेवलपमेंट हो, तो सोशल वर्क के लिए एक और चैलेंज आने लग गया, ठीक है। अलग अलग चीज़ें आई, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस से शिकार बच्चा है, ठीक है, लड़की है, तो वो आपके पास आएगी तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे, ठीक है, उसके इन्वायरमेंट में कैसे मैनिपुलेशन करोगे जिससे कि उसको नया इन्वायरमेंट मिले, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम आई, इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया, इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया तो लोगों के अंदर और क्या कहते हैं उनकी सेविंग कम हुई, सेविंग कम होने लग गई तो लोग क्या करने लग गए, डिफरेंट तरीके के प्रोफेशन लेने लग गए कि कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाए, ठीक है, जो ज़्यादा लोग पैसा जिनके पास था लोग ने इनके पास ज़्यादा कमाए, ठीक है, तो कुल मिला के इनइक्वलिटी पैदा हुई, ठीक है। सिविल सोसाइटी का जो मेन फैब्रिक होता है, ठीक है, डेमोक्रेसी के जो मेन फैब्रिक होता है वो होता है इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, ठीक है, वो जो डिस्टर्ब हुई तो उससे क्या हुआ, सोशल वर्क के सामने और चैलेंज आया कि हाउ टू मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम सो डैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कैन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज पोटेंशियल हर पोटेंशियल, ठीक, टू मिनिमाइज हिज प्रॉब्लम एंड टू अचीव द सक्सेस। तो सोशल वर्क अब ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है, ठीक है, तो अब सोशल वर्क चैलेंज हो गया है तो इसको नई नई डायमेंशन मिल गई है, तो वो क्या क्या मिल गई है उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे, अब मोर पीपल सेंट्रिक अप्रोच हो गया है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसका अगर हम देखें तो सोशल चेंज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, और अटेनमेंट ऑफ वेलबींग, ठीक है, ये इनके पास 3 पिलर आ गए, इन 3 पिलर पे वो काम करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूँ सोशल वर्क का एग्जाम्पल दे के। सपोज मैं एक सोशल वर्कर हूँ, ठीक है, मेरे पास एक्सपर्टाइज डिग्री है, मेरे पास क्या कहते हैं ह्यूमन के रिलेशन को समझने के लिए जो है एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं एक तरीके से आप मेरे पास आते हो, ठीक है, आप मेरे पास आते हो कि भाई मैं स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछूंगा क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपसे फैमिली के बारे में पूछूंगा, भाई आपका फैमिली प्रेशर तो नहीं है, आपका कोई फ्रेंड्स सर्किल कैसा है, ठीक है ना, आपके किस सब्जेक्ट में आपकी इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है कि कोई आपको फोबिया हो पढ़ाई से, तो मैं उसको चीज़ को आइडेंटिफाई करूंगा, जब मुझे पता जाएगी आपकी ये प्रॉब्लम है तो मैं उसको प्रोफेशनल वे में दूर करूंगा। प्रोफेशनल वे में कैसे दूर करूंगा, मैं एक वैलिड आपको क्या कहते हैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, मैं आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखूंगा, आपको रेगुलर फॉलोअप करूंगा, ठीक है, तो ये प्रोफेशनल वे हुआ, ठीक है, आपसे रेगुलर फीडबैक लूंगा, आपकी प्रोग्रेस को मेंटेन करूंगा, और जब मुझे लगेगा कि आप मेरे कहे उस पर चल रहे हैं तो फिर मैं आपसे रिलेशन जो है वो ब्रेकअप कर लूंगा, ठीक है। यानी कि जिसको एक बार एडवाइस दी तो उसके पीछे पड़ गए, तो प्रोफेशनल सर्विस का मतलब ये होता है कि उसकी
प्राइवेसी मेंटेन करना, उसको प्रोफेशनल सर्विस देना, और जब आपने लगता है कि अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है तो आप उससे रिलेशन को ब्रेकअप कर लेते हो। ठीक है, तो ये सब आगे हम पढ़ लेंगे और अच्छे तरीके से।